अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद खुज़ैमा, आपका एबीकस इंस्ट्रक्टर। आज का हमारा लेसन है एडिशन यूजिंग कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्स। कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्स क्या हैं? कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्स में हम कॉम्प्लीमेंट्स में भी कॉम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। इसको मैं एक मिसाल से समझाऊंगा। 5 + 8, 5, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 8। तो प्लस 8 का, मेरे पास 8 ऐड करने के लिए नहीं है, तो प्लस 8 का कॉम्प्लीमेंट -2 + 10 होता है। तो यहाँ -2 कैसे करूँगा? तो हम -2 के भी कॉम्प्लीमेंट में चले गए। -2 का कॉम्प्लीमेंट +3 - 5 होता है, तो यहाँ +3 - 5 करेंगे और यहाँ पर हमारा -2 हुआ है। अब अगले कॉलम में हमने +10 करना है, तो हम अगले कॉलम में +10 कर लेंगे। हमारा आंसर क्या आया? 13। नेक्स्ट 7 + 6, 7, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 6। तो +6 का कॉम्प्लीमेंट -4 + 10 होता है, तो यहाँ -4 कैसे करेंगे? तो हम -4 के भी कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। -4 का कॉम्प्लीमेंट है +1 - 5, +1 - 5, और अगले कॉलम में हम 10 ऐड कर देंगे। यानी अभी हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर हमने +6 किया और अगले कॉलम में हमने 10 ऐड कर दिया। हमारा आंसर क्या आया? 13। नेक्स्ट 6 + 5, 6, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 5। प्लस 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है -5 + 10, इसमें हमें कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्स नहीं यूज़ करने पड़े, हमने खाली कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करके इस सवाल को सॉल्व कर लिया। मगर जो अक्सर सवाल होते हैं उनमें कंपाउंड कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ होती है। नेक्स्ट 7 + 7, 7, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 7। प्लस 7 का क्या कॉम्प्लीमेंट होता है? -3 + 10, -3 कैसे करेंगे? तो हम -3 के भी कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे। -3 कैसे करेंगे? +2 - 5, +2 - 5, और +10। हमारा आंसर क्या आया? 14। अब अगला सवाल करते हैं। 5 + 7, 5, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 7। तो +7 का कॉम्प्लीमेंट होता है -3 + 10, तो -3 कैसे करेंगे? तो -3 के कॉम्प्लीमेंट में गए हम, तो हमें क्या पता चला कि +2 - 5, +2 - 5, यानी यहाँ पर हमने +3 किया और यहाँ पर +10। हमारा आंसर क्या आया? 12। नेक्स्ट 5 + 9, 5, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 9। तो +9 का कॉम्प्लीमेंट होता है -1 + 10, तो यहाँ -1 कैसे करेंगे? तो हम -1 का कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं और हमें क्या पता चलता है? +4 - 5, +4 - 5, यहाँ बेसिकली हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने -1 किया है और यहाँ +10, तो हमने इसमें ऐड क्या किया? हमने इसमें 9 ऐड किया और हमारा आंसर क्या है? 14। नेक्स्ट 15 + 26, 15, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 26, यहाँ पर हमने 2 ऐड कर दिया और यहाँ 6 ऐड करना है, तो +6 का कॉम्प्लीमेंट होता है -4 + 10, तो यहाँ -4 करने के लिए मेरे पास नहीं है, तो मैं -4 के कॉम्प्लीमेंट में जाऊँगा और मुझे क्या पता चलता है? +1 - 5, +1 - 5, बेसिकली मैंने यहाँ पर -1 किया और यहाँ पर +10। हमारा आंसर क्या आया? 41। अब अगला सवाल करते हैं। 28 + 55, 28 + इसमें हमने क्या ऐड करना है? 55, यहाँ पर हम 5 ऐड कर देते हैं और यहाँ 5 ऐड करने के लिए +5 का कॉम्प्लीमेंट -5 + 10। हमारा आंसर क्या आया? 83। अब अगला सवाल करते हैं। 79 + 66, 79, इसमें हमने क्या ऐड करना है? 66, यहाँ पर 6 ऐड करने के लिए हमें -4 + 10 करना है। -4 करने के लिए क्या करेंगे हम? +1 - 5 और यहाँ +10 कर देंगे,
और यहाँ पर भी हमने 6 ऐड करना है। तो यहाँ प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 4। माइनस 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 4 माइनस कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 135। नेक्स्ट 58 प्लस 67, इसमें हमने क्या ऐड करना है, 67। प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 4 प्लस 10 होता है, तो माइनस 4 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5 और प्लस 10। और यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर 7 ऐड करना है, तो प्लस 7 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 3 प्लस 10 होता है। यहाँ माइनस 3 करेंगे और यहाँ प्लस 10 कर देंगे, हमारा आंसर क्या है, 125। अब अगला सवाल करते हैं, 88 प्लस 56, इसमें हमने क्या ऐड करना है, 56। यहाँ पर हमने 5 ऐड करना है, तो प्लस 5 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 5 और प्लस 10। और यहाँ पर हमने क्या ऐड करना है, 6, तो प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है माइनस 4 प्लस 10। माइनस 4 प्लस 10, तो यहाँ माइनस 4 करने के लिए प्लस 1, तो हम माइनस 4 के कॉम्प्लीमेंट में चले जाएंगे, प्लस 1 माइनस 5 और यहाँ प्लस 10। तो हमारा आंसर क्या आया, 144। नेक्स्ट 481 प्लस 262, यहाँ पर हम 2 ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 2, तो यहाँ 2 ऐड करने के लिए माइनस 3 प्लस 5 और यहाँ पर 6 ऐड करना है, तो 6 ऐड करने के लिए माइनस 4 प्लस 10, माइनस 4 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10 और यहाँ पर 2 ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं, बस 2 ऐड करना है। हमारा आंसर क्या आया, 743। अब अगला सवाल करते हैं, 995 प्लस 166, इसमें हमने 1 ऐड करना है, तो प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 9 प्लस 10 होता है, माइनस 9 प्लस 10 और यहाँ पर हमने 6 ऐड करना है, तो प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 4 प्लस 10 होता है, माइनस 4 प्लस 10 और यहाँ पर भी हमने 6 ऐड करना है, तो प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है माइनस 4 प्लस 10, तो यहाँ माइनस 4 प्लस 10 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10। हमारा आंसर क्या आया, 1161। अब अगला सवाल करते हैं, 879 प्लस 166, इसमें हमने क्या ऐड करना है, 166, इसमें हम 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 ऐड करने के लिए माइनस 4 प्लस 10 होता है, तो माइनस 4 प्लस 10 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5 प्लस 10 के लिए ये यहाँ और ये, तो हमने यहाँ पर 6 ऐड किया और यहाँ पर भी 6 ऐड करना है, तो यहाँ 6 कैसे ऐड करेंगे, 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है प्लस 4 माइनस 4 प्लस 10, तो हम माइनस 4 यहाँ करेंगे और यहाँ प्लस 10 कर देंगे। हमारा आंसर क्या आया, 1045। अब अगला सवाल करते हैं, 556 प्लस 267, यहाँ क्या ऐड करना है हमने, 6, तो प्लस 6 का कॉम्प्लीमेंट होता है माइनस 4 प्लस 10, माइनस 4 करने के लिए प्लस 1 माइनस 5 और यहाँ प्लस 10 और यहाँ पर हमने 7 ऐड करना है, तो 7 ऐड करने के लिए माइनस 3 प्लस 10 होता है, तो माइनस 3 करने के लिए प्लस 2 माइनस 5 प्लस 10। हमारा आंसर क्या आया, 823। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के बताएं, मैं आपके सवालों का जवाब देने का मुंतजर रहूँगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।